आपको शाम को ये बताऊंगा कि आपका किस स्टेज पे काम चल रहा है। नहीं आपको पता नहीं, आपका भाई आपका बेटा 25 दिन से सारा पता है भाई। खाना कैसे आया आपको, रोटी कैसे भाई ये बता दो मुझे, आपको पानी कैसे पिलाया, आपका भाई आप जिसको अपना भाई बोलते हैं वो 25 दिन से भूखा पैसा पड़ा है, आपको रोटी गढ़ी कैसे आपकी घर में, चाहे अशोक गहलोत साहब हो चाहे गोविंद डोटा साहब, आपके कांग्रेस के एमएलए का बेटा भूखा पड़ा है सड़कों पर। आप भी कांग्रेस के एमएलए हैं, कभी भूतपूर्व भी होंगे, आपके बेटे और बच्चों पर भी ऐसी नौबत आएगी, तो क्या आप वो लोगों को भी आप ऐसा सोचेंगे कि उनके साथ ऐसा हो, क्या कांग्रेस का हर एनी टाइम एमएलए रहेगा, कभी भूतपूर्व नहीं रहता यार। ये तो देखो ये तो आनी जानी चीज है, इसका तो हमें घमंड नहीं है, देख मेरे को तो नहीं है बात घमंड की, एक बात बता रहा हूं, आप ये कहते हो आप हमारा भाई है हमारा बेटा है और वो भूखा पैसा पड़ा है, निखर खुले आसमान के नीचे आपकी और आप कमरों के ये आपको देखने तो नहीं मिला, बात बता रहे छोटे छोटे बच्चों को देखना क्या ये आपकी सरकार, ये नहीं बाती आपकी बेटी, ये आपके घर की बेटी है, दो साल का बच्चा अपनी खोज में बात सुनाई बैठी थी वो क्या गुस्सा नहीं आएगा आपने, क्या झंड नहीं होगा आपने, आप जाएंगे गुस्सा भी जाएंगे, तकलीफ भी बहुत है, और ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी 25 दिन में कौन है हमारे पास पूछते हैं, मेरी बेटी है 2 साल के बच्चे को लेके बैठी है, जय दिन हमारी 10,000 बहने और भैयास हुए, 25 दिन में कौन है ये बताइए आप, दीपावली आप बना रहे थे मिठाई आप खा रहे और ये भूखे प्यासे मिलने वाले आपके यहाँ 1,500 रुपये किलो की मिठाई आ रही है और इनको पानी तक नसीब नहीं, सोचने वाली बात नहीं है जल्दी, आप जब वोट लेते हमारे पास आए तो ये कहा था कि आपका काम हम करेंगे और आपके लिए हमने लोगों से कहा कि आपका काम हम करवाएंगे, 49 वोट मैंने मेरे घर से दिए अमीन साहब, 49 वोट मेरे घर से गिनाए मैंने, मैं ईदगाह में रहता हूँ, 49 वोट गिने साहब मैंने, शाकिर को असलम भाई को लेके गया था कि असलम भाई देखो 49 वोट मेरे घर से पड़ रहे हैं, हाँ ये पूरे पूरे एक ही गली की मोहल्ले लेके के वोट दिलाए सर, एक एक वोट दिलाए थे गली के सर, कि अपने कौम के लीडर खड़े हो रहे हैं अमीन भाई और रफी भाई खड़े हो रहे हैं सर, आपको बंद करके वोट दिया था सर, सर हमें करो सर, लेटर जो सीएम को लिख रहा था वो नहीं आप बैठे बाजू।